बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहले उर्दू कायदे का सफ़ा नंबर 14 पढ़ेंगे और हमारा आज भी उनवान जो है वो कलीदी अल्फाज है। तो बच्चों को कलीदी अल्फाज की पहचान करवाएं। का आ का ए के का ई की ह य नून गुन्ना हैं आ ओ अ ओर और अ ओर और वाव को मैंने बताया था ओ बोलते। ये मोर और तोते के पर हैं। के जो है इसमें कलीदी अल्फाज है, जब बच्चों को पढ़ाएं तो उसको बोलते जाएं कि ये कलीदी अल्फाज है, के कलीदी अल्फाज है। ये दादा जान के कोट हैं, के इसमें भी के और हैं जो है वो कलीदी अल्फाज है। ये चोर की चाल है, की और है अगर इस जुमले में ना हो तो ये जुमला मुकम्मल नहीं होगा, की और है भी कलीदी अल्फाज हैं। ये नाना जान का ताला है, ज़ारा और सारा का हार ला दो, जाला और खाक साफ कर दो। वो ज़ारा की नाक है, ये सारा का ताज है। आप प्रैक्टिस के लिए बच्चे के देखने के लिए कि बच्चे को कलीदी अल्फाज की पहचान हुई है कि नहीं, आप बच्चे को बोलें कि वो लेड पेंसिल से जो कलीदी अल्फाज है उनके नीचे इस तरह लाइन लगाता जाए, ये कलीदी अल्फाज है, ये कलीदी अल्फाज है। इस तरह एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे को पता चल जाएगा। दी गई तस्वीर का पहला हर्फ लिखें। प पर हम हर्फ का है तो हर्फ ही लिखेंगे। ख खाक, के कोट, क कोट। हमारा उर्दू वर्कबुक का भी पेज नंबर जो है वो 14 ही है और उस पर भी कलीदी ही अल्फाज हैं जो हमने रीडिंग बुक पे पढ़े हैं। सबसे पहले काम शुरू करने से पहले बच्चे से बोलें कि वो बिस्मिल्लाह पढ़े और ख़त्म करने पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। तारीख और दिन ज़रूर मेंशन किया करें। दिन पीर, बच्चे को बोले पहले प लिखे फिर य, फिर इसको इस तरह मदा की तरह बना के ऐसे नीचे को ले जाए, पीर। और डेट जो है वो 13 है। सीन